Hey guys, welcome back to my channel, my product Pedia. I hope all you are doing well. आज मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो आपके एक्ने स्कार, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट, डार्केन स्किन, अनइवन स्किन टोन या आपके फेस पे किसी तरह की ग्लो नहीं रहती, ड्राई ड्राई सी रहती है आपकी स्किन, तो उन सब का एक ही ये रेमेडी सॉल्यूशन है। अगर आप इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, आपको एक हेल्दी स्किन चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको इस रेमेडी के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगने वाले हैं, बहुत ही कम और मिनिमम प्राइस में आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए आपको जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिनमें से रोज वाटर, ये सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। सेकंड आपको चाहिए ग्लिसरीन, थर्ड आपको चाहिए लेमन। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स सबके घर में अवेलेबल होती है, तो ये तीनों आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा वर्क करती है। तो चलिए इसको प्रिपेयर करते हैं। आपको इसे प्रिपेयर करने के लिए एक बाउल की जरूरत होगी। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है आपका रोज वाटर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, मैंने यहाँ डाबर की ली है। इसकी आपको हाफ क्वांटिटी लेनी है, मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी इसकी ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रोज वाटर की हाफ क्वांटिटी ले ली है। रोज वाटर आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ये स्किन को ब्राइटन लाइटन बनाने में हेल्प करता है, ये हमारे लिए हर तरह से बेनिफिशियल होता है। इसके एक नहीं बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये ना सिर्फ स्किन को कूल करता है बल्कि हाइड्रेट भी रखता है और रिंकल को भी दूर रखने में हेल्प करता है। सेकेंड आपको चाहिए ग्लिसरीन, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। अगर आपने हाफ क्वांटिटी रोज वाटर की ली है तो आपको 4 स्पून ग्लिसरीन की लेनी है, तो 4 स्पून आप ग्लिसरीन की ले लो। आपको ग्लिसरीन ज्यादा नहीं लेनी है। ग्लिसरीन के यूज से स्किन ब्यूटीफुल और हेल्दी बनती है, ये स्किन के स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, स्कार, पिंपल, एक्ने के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है और ये स्किन को डीपली मॉइस्चराइज भी करता है। इसके यूज से स्किन शाइनी, हेल्दी, ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बनती है। थर्ड आपको लेमन लेना है, यहाँ मैंने 1 लेमन यूज किया है। लेमन में एक नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन को लाइट एंड ब्राइटन बनाने में हेल्प करता है, ये टैनिंग, रिंकल, पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम को दूर करता है। बता दूं, लेमन के जूस में पाए जाने वाला सिट्रिक एसिड ही हमारे डेड सेल्स को हटाकर स्किन को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आप किसी इस तरह की खाली बॉटल में आप स्टोर कर लें। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे खाली कंटेनर में स्टोर कर लिया है। आप इसे 15 दिन के लिए ऐसे ही स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। आप इसी तरह से 1 मंथ के लिए भी बना के आप इसे स्टोर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इसके यूज से आप खुद ही धीरे धीरे अपने स्किन पे इम्प्रूवमेंट देखोगे। इससे आपकी स्किन लाइटर, ब्राइटर, टैन फ्री, हेल्दी और ग्लोइंग बनेगी। मैं इसे खुद भी यूज करती हूँ, ये कमाल की रेमेडी है, इससे 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आप एलोवेरा जेल में इसकी 3-4 ड्रॉप्स मिक्स करके पूरे फेस पे लगाकर एज ए मास्क 30 मिनट के लिए रख सकते हो और फिर ठंडे पानी से वॉश कर सकते हो। इसे मैं अपने हैंड पे लगा के भी दिखाती हूँ आपको। देख सकते हो, आपको ऐसे ही लगानी है और फिर 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देने हैं। आप डेली इसको
टू टाइम्स यूज करो 20 मिनट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से वीडियो आप सबके लिए बनाती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आने वाली मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस रेमेडी का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।